اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. हमारे प्यारे नबी अल्लाह ताला के महबूब दानाए गयूब अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर में जंग से पहले उस जगह का मुआयना करने के लिए चंद सहाबाए कराम के साथ तशरीफ ले गए कि जंग की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। मेरे आका सहाबा इकराम के साथ उस जगह का मुआयना करने के लिए तशरीफ ले गए कि जहाँ पर बदर के मैदान में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले एक लकीर खींची और फरमाया कल जब जंग होगी तो मेरी उम्मत का फिरऔन अबू जहल इस जगह मरा मिलेगा और उमैया बिन खल्फ इस जगह मरा पड़ा होगा। इसी तरह बहुत से काफिरों के सरदारों के बारे में फरमाया कि फुला उस जगह पर फुला जगह पर मरा पड़ा होगा। एक दिन पहले ही उनकी मौत की खबर दे दी। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मुझे उस जात की कसम जिसने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ भेजा। हुदूद से जरा आगे पीछे ना थे जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में निशानदेही फरमाई थी। आए ईमान वालों जंगे दुनिया में बेशुमार हुई और होती रहेंगी मगर किसी बादशाह या लश्कर के सिपे सालार ने जंग से पहले कामयाबी कामरानी की बशारत नहीं दी ना बता सका कि फला दुश्मन उस जगह पर कत्ल किया हुआ मरा मिलेगा। ये शान सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे नबी प्यारे रसूल कायदे आलम सरदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि जंग बाद में यानी कल होगी और फतह कामयाबी कामरानी का मुस्दा पहले सुना दिया और कौन सा दुश्मन किस जगह मरा पड़ा होगा जंग से पहले बता दिया। बाज़ बुजुर्गों की किताबों में इस तरह की भी रिवायत मिलती है जब अबू जहल को पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम मैदान बदर में तशरीफ लाए और मैदान का जायज़ा लिया और एक लकीर खींची और कहा कि कल जब जंग होगी तो अबू जहल मारा जाएगा और उसकी लाश उस लकीर पर पड़ी होगी। तो उम्मत का फिरौन अबू जहल घबराया और अपने साथियों से कहने लगा कि कल मेरी मौत का दिन है अब मुझे मरने और कत्ल होने से कोई चीज बचा नहीं सकती इसलिए कि मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुंह से जो बात मैंने सुनी है वो कभी गलत नहीं हुई बल्कि वह बात पूरी होकर रहती हैं। सच कहा गया यानी हक वही है जिसकी सच्चाई की दुश्मन भी गवाही दे। और जब अबू जहल खाक व खून में तड़प रहा था वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था इर्द गिर्द उसके साथियों की जमात खड़े थे। उसने मरते मरते सवाल किया कि देखो तो कि मेरा जिस्म इस लकीर पर तो नहीं है जो लकीर मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खींची थी। जब साथियों ने गौर किया और देखा तो यकीनन अबू जहल का धड़ उसी लकीर पर था तो अबू जहल कहने लगा कि मेरा धड़ खींच कर या उठाकर उस लकीर से दूर कर दो ताकि मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात तो झूठी हो जाए। मर रहा है खाक व खून में तड़प रहा है मगर अदाब तो नफरत में कोई कमी नहीं है। इस लईन के साथी उसे उठाने की कोशिश करने लगे। इधर अल्लाह ताला का हुक्म होता है मलकुल मौत
سنو ابو جہل بدبخت جھوٹا ہے اور میرا پیارا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے، دیری نہ کرو، روح قبض کر لو۔ ملک الموت علیہ السلام نے روح نکالی، ظالم ابو جہل کا جسم ناری ٹھنڈا ہو گیا اور اسی لکیر پر لاش پڑی تھی۔ یہ لکیر حضور صبر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھینچی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی شان و شوکت کا یہ عالم ہے کہ جو آپ حضرات نے ملاحظہ کیا، مگر ماننے اور قبول کرنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، خوش عقیدہ سنی مسلمان ہونا ضروری ہے اور لازمی ہے۔ اسی لیے تو وہاں بھی دیوبندی تبلیغی کو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ ہم سنی اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غیبہ مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے۔ عاشق مصطفیٰ، پیارے رضا، اچھے رضا، امام احمد رضا خواب فاضل بلل بل رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں بھلا، جب نہ خدا ہے جبا تم میں کروڑوں درو، جب نہ خدا ہے جبا تم میں کروڑوں درو، دور کوئی غیب کیا تم سے نہاں بھلا، جب نہ خدا ہے جبا تم میں کروڑوں درو۔ اور شاعر کہتا ہے، بوجھ من بشوا مریں گے یہیں پہ تل، بوجھ وقت بشوا مریں گے یہیں پہ تل، آقا نے خود بنا دیا، آقا نے خود بنا دیا نقشہ خود بنا دیا نقشہ۔